इनकी कहानी तो ये हो गई है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। तो आप बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री राजा हरिश्चंद की छठी औलाद है या राजा हरिश्चंद है क्या? कहता मैं रावण से बात करूं, अरे त्रेता में रावण बेचारा मर गया। 5 किलो राशन के सहारे उनके दीन और ईमान को खरीदना चाहते हैं आप? इस देश की जनता को आप कामचोर बनाना चाहते हैं? उस तरह के अखंड भारत का आप निर्माण करना चाहते हैं जो भाजपा आरएसएस वालों के जूते खा करके और भाजपा को वोट दे? मैं उसमें से नहीं हूँ। नेपाल का जो दशा हुआ वही दशा हिंदुस्तान की अब भारत की। बेटी का अपहरण करने वाला पृथ्वीराज इस देश का योद्धा नहीं? बताइए, बाबर को हिंदुस्तान में बुलाया कौन था? राणा सांगा बुलाए थे ना, राणा प्रताप के कौन थे? ये धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा के इस मुल्क को अखंड भारत बनाना है, पाकिस्तान को भी इस मुल्क में मिलाना है, और किस तरह देख रहे हैं आप इन बातों? रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में एक जगह लिखा है, कहा है कि दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाधु से साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अच्छा ये बताइए, किस अखंड भारत के निर्माण की ये बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? उनको ब्राह्मणों को जला करके, महिलाओं को जला करके उत्तर प्रदेश में हत्याएं कर दी जा रही हैं ब्यूरोक्रेटों के द्वारा, और एक योगी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में बुलडोजर बाबा के नाम से जो मशहूर हैं, जो ब्राह्मणों के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, उनकी सरकार में इस देश के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि देश में या पृथ्वी पर जातियों का निर्माण ब्राह्मणों ने किया। यानी अखंड भारत की बात हो रही है। मैं जो कहने जा रहा हूँ, कह रहा हूँ उसको सुनिए, जो मैं कहना चाहता हूँ उसको सुनिए। धीरेन्द्र शास्त्री के वहाँ से कई महिलाएं गायब हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम चैनलों पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, तमाम जगह खबरें चल रही हैं, गायब हो गई हैं, कोई पर्ची डालने गया वहीं मर गया, उसका पति भी गायब, कई लोग गायब हुए हैं, अब तमाम लोग चलाने लगे हैं। तो आप बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री राजा हरिश्चंद की छठी औलाद है या राजा हरिश्चंद है क्या? चमत्कारी बाबा कहीं कोई चमत्कारी नहीं है, ये सब ढोंगी है, ये भविष्य के आसाराम है। अच्छा ये बताइए चतुर्वेदी जी, आप अखंड भारत के समर्थन में है कि नहीं? आप बात को घुमाइए मत, ये बताइए। देखिए, अखंड उन्होंने मांग की है तो उनकी मांग को इस देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू पूरा कर देंगे या मोहन भागवत पूरा कर देंगे? हिंदू राष्ट्र था नेपाल, वहाँ की दशा आपने देखा है कि वहाँ के जो या तो गोरखा रेजिमेंट में जाए या नहीं तो कहीं चौकीदारी के कार और साफ करते हुए नेपाली मिल जाएंगे। क्या उस तरह के हिंदू राष्ट्र की कल्पना वो कर रहे हैं या उस तरह के अखंड भारत की कल्पना कर रहे हैं जिस देश की शैक्षणिक संस्थाएं, आपको पता है उत्तर प्रदेश में 33 या 34 पॉलिटेक्निक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज को निजी हाथों में दे दिया गया, जो पहले मैं आपको जो कह रहा हूँ, बांग्लादेश सब कुछ आ जाएगा, अफगानिस्तान। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान आ जाएगा? अरे पहले अपने देश को सुधार लो, जिस देश की सरकार खैराती सरकारों में मशहूर हो गई हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की हो या भारत सरकार हो, 5 किलो राशन क्या दर्शाना चाहते हो? किस देश की 80 करोड़ जनता या 60 करोड़ जनता भिखारी हो गई है, सिर्फ 5 किलो राशन के सहारे उनके दीन और ईमान को खरीदना चाहते हैं आप? इस देश की जनता को आप कामचोर बनाना चाहते हैं, उस तरह के अखंड भारत का आप निर्माण करना चाहते हैं? मल्टीप्लेट कर रहे हैं आप, घुमा रहे हैं। सुनिए चतुर्वेदी जी, मैंने कहा आप अखंड भारत के समर्थन में है कि नहीं, क्यों नहीं बनना चाहिए अखंड भारत? अरे भाई पाकिस्तान को इनकी हैसियत है जो हो ही नहीं सकता, मैं उसके समर्थन में क्यों जाऊं? आप बता दीजिए कि पाकिस्तान ऑलरेडी अलग राष्ट्र है, बांग्लादेश अलग राष्ट्र है, बनना नहीं बनना, बर्मा, अरे मैं वो मिला देंगे, समर्थन में है कि नहीं आप? जो मिला देंगे तब देखा जाएगा, मिला के पहले दिखा मैं, मिला के दिखा मैं, समर्थन तो मिला के दिखा है। अरे भाई मिला में तो सब पाकिस्तान को मिला ले, बांग्लादेश को मिला, समर्थन में है कि नहीं? मैं पहले ही अपने काम को कर दें, मैं उन ये ब्राह्मणों में से नहीं हूँ जो जूते खा करके
भाजपा और आरएसएस के तालमेल चाहते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं मीडिया प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं कि मैं उन चूतिए मूर्ख गद्दार कायर ब्राह्मणों में से नहीं हूं जो भाजपा आरएसएस वालों के जूते खा करके और भाजपा को वोट दे। मैं उसमें से नहीं हूं और मैं ऐसे किसी भी साधु संत का समर्थन नहीं करता हूं जिसकी पूरी लाइफ फ्रॉड और चीटिंग के सहारे जिंदा है। वो अनाप अनाप शनाप इस तरह का बयान देता है, कहता मैं रावण से बात करूं। अरे त्रेता में रावण बेचारा मर गया। तो अपने अल्फाज वापस लेने मुझे नहीं यार, सुनिए मैं न कायर हूं, न चोर हूं, न गीदड़ हूं और ना ही फ्रॉड हूं। हिंदू होकर के मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदू राष्ट्रीय मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। मेरा धर्म है सनातन धर्म। मेरे धर्म गुरु ये धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हो सकते। मेरे धर्म गुरु अगर है कोई तो जगत गुरु शंकराचार्य हैं। ये लोग हमारे धर्म गुरु नहीं हैं। योगी जी भी अब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। योगी जी हमारे धर्म गुरु नहीं है। हम जो भी सनातन धर्म की परंपरा है, वसुदेव कुटुंबो पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम पहले इंसान बने, हैवान न बने। बताइए हिंदू राष्ट्र के समर्थन, मैं हिंदू राष्ट्र के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों नहीं है बताइए आप? भाई हिंदू राष्ट्र मैं हिंदू नहीं हूँ। समर्थन में मेरा धर्म है सनातन धर्म। समर्थन में क्यों नहीं है बताइए? मैं नहीं रहूंगा ऐसे उलझ जुलो पागलों वाली हरकत मेरे मुझे नहीं करने आती है। हिंदू राष्ट्र के समर्थन? अरे भाई हिंदू राष्ट्र क्या है? आपत्ति आपत्ति जता रहे हर चीज। अरे भाई हिंदू शब्द फारसी है, फारसी समझ गए? नुकसान क्या है हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता है तो? नेपाल का जो दशा हुआ वही दशा हिंदुस्तान की और भारत की होने वाली है। क्या हुआ नेपाल में? विश्वगुरु बनने वाला है। हाँ, चला विश्वगुरु की। जर्मनी में अभी व्यापारियों का सम्मेलन हुआ था, एक उद्योगपति अमेरिका का आए थे, कहा भारत देश लोकतांत्रिक देश है लेकिन वहाँ के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी लोकतंत्र के पक्षधर नहीं है, अलोकतांत्रिक हो गए। थर थर कांप रहे पाकिस्तान। मैं आपको पाकिस्तान बेचारा क्या कांपेगा? अरे पाकिस्तान कांप रहा, चाइना को लाल आंख दिखा दिए, चाइना का नाम लेने में इनको शर्म लगती है। बांग्लादेश थर थर कांप रहा है, अफगानिस्तान कांप रहा है, उसके बाद बर्मा कांप रहा है, भूटान कांप रहा है, अरे बैंकॉक कांप रहा है, क्या बोलते हैं कांप रहा है, पूरा विश्व इनके थर थर से। इनकी हालत खराब हो गई है, मानसिक संतुलन खराब हो गया है। इस देश के साधु संत जो फ्रॉडगिरी अपनी दुकानदारी चलाते हैं उनका देखिए हमारे देश में। मैं आपके चैनल के मार्फत देशवासियों से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप लोग कृपया ऐसे ढोंगी पंगोड़ी अपनी दुकान चलाने वाले किसी भी साधु संतों का हो ही नहीं सकते के झांसे में मत आइए। वो आसाराम हो सकता है, वो राम रहीम हो सकता है, वो राजपाल हो सकता है। क्या जयचंद हमेशा विरोध करते आए हैं? हम लोग न जयचंद है और न पृथ्वीराज है, ठीक है? जयचंद ने पृथ्वीराज के साथ जो किया वो बहुत ही बढ़िया काम किया है। जयचंद ने बहुत बढ़िया काम किया, उसे इतिहासकारों ने बदनाम किया। जयचंद की बेटी का अपहरण करने वाला पृथ्वीराज इस देश का योद्धा नहीं हो सकता। आप कर रहे हो आप गलत भाषा। मैं संयोग असंयोगता था। बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं आपको ऐतिहासिक दे रहा हूँ, मैं इतिहास की जानकारी रखता हूँ, ठीक है? आल्हा रुदन ने 52 बार उसी पृथ्वीराज को परास्त किया था। एक बार तो गुरु गोरखनाथ ने उनको अभेदान दिलवाया था आल्हा रुदन से, ये भी इतिहास में। क्या बैकवर्ड कास्ट के थे तो आल्हा रुदन का इतिहास नहीं बना? आप मैं सुनिए, मैं उसी प्रदेश से आता हूँ। आ सुनिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे ही प्रदेश की मराठी ब्राह्मण लड़की थी और अंग्रेजों से लोहा ली। यही ग्वालियर स्टेट अंग्रेजों की दलाली करता था। आपके ऊपर केस हो जाएगा इस तरह के बयान दे रहे हो? मैं जो बयान दे रहा हूँ सत्य दे रहा हूँ, ठीक है? पृथ्वीराज पृथ्वीराज अखंड हिंदुस्तान के लिए देने से बचना चाहिए आप। अरे भाई अच्छा ये बताइए, बाबर को हिंदुस्तान में बुलाया कौन था? ये जानते हैं इतिहास में? राणा सांगा बुलाए थे ना। राणा प्रताप के कौन थे? ग्रैंडफादर थे ना। तो आप बताइए जब इतिहास में सब लिखा हुआ राणा प्रताप महान है, पृथ्वीराज महान है, तो भैया
हम ही कह रहे हैं कि अकबर महान क्यों नहीं हो सकता, आप बताइए, महाराजा रणजीत सिंह महान क्यों नहीं हो सकते, अशोक महान क्यों नहीं हो सकते, आप बताइए कि इस तरह की, देखिए ये देश जो हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ है, जो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, हमारे देश के का जो न्यायपालिका है, ये सबको अपने दायरे में रह करके काम करने की आवश्यकता है। और हमारे देश के जितने ब्यूरोक्रेट हैं, कृपया ये मत सोचिए कि आपकी ट्रांसफर, आप सनातनी हो ही नहीं सकते, आप हिंदू के, मैं सनातन धर्म का हूँ, सनातनी आप हो ही नहीं सकते, मैं क्यों नहीं हो सकता, आप मुझे खंडन कर रहे हैं, आप नहीं हो सकते, आप हिंदू राष्ट्र का खंडन कर रहे हैं, आप जो है मुझे सर्टिफिकेट देने के लिए आए, आप जैसे लोगों से सर्टिफिकेट की आवश्यकता मुझे नहीं है, किस तरह के सनातनी है आप, मैं सनातन धर्म का हूँ, कैसे मान लिया, मैं प्रभु अखंड भारत के निर्माण के लिए काम जो आप कर रहे हैं, जो हमारा भारत है जितने क्षेत्रफल में है, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की जनता भिखारियों के लाइन में न खड़ी हो, कोई भी सरकार हो काम करे, उलूल जुलूल फेंकने झूठ बोलने का काम ना करे, राम राज्य चाहिए अखंड, राम राज कैसा राम राज, जैसे यूपी में राम राज चल रहा है उसी तरह का, अडानी अंबानी को अमीर बनाने वाले राम राज का, जिस गुजरात में राम राज में सैकड़ों टन जो है ब्राउन शुगर सप्लाई हो गई हो कई हजार करोड़ की, उसकी मीडिया में चर्चा ना हो, हिंदू मुसलमान करने वाले रामराज की कल्पना, मंदिर मस्जिद की बात करने वाले की रामराज की कल्पना, आप जो है तमाम लोगों को जिंदा जला के मार दिया जा रहा है, ऐसे रामराज की कल्पना, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण माँ बेटी की ब्यूरोक्रेटों ने जला करके मार दिया, वैसे रामराज की कल्पना कर रहे हैं, मुझे ऐसा रामराज नहीं चाहिए, ठीक है, मैं सनातनी हूं, सनातनी रहूंगा, सनातनी ही मरूंगा, नहीं कल तक मुझे इस देश का नेता पंडित राहुल गांधी जैसा चाहिए, ठीक है, पंडित राहुल गांधी ईमानदार तपस्वी और त्यागी व्यक्ति हैं, अगर पार्लियामेंट में उन्होंने बयान दिया और जो दिया सटीक दिया, उसका जवाब माननीय देश के प्रधानमंत्री नहीं दिए, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, इनकी कहानी तो ये हो गई है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं, उनको तो सूझ ही नहीं रहा, आप हमारा साथ दो, हम आपको हिंदू राज देंगे, कौन कह रहा, योगी जी, अरे नहीं बाबा बोल रहे धीरेन्द्र शास्त्री, अच्छा धीरेन्द्र साथ देना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री है क्या, क्या है चमत्कारी बाबा, अरे चमत्कारी वैसे ढोंगी या पोंगी, चमत्कारी बाबाओं की आवश्यकता इस देश को नहीं, कर देंगे आपको ऐसी बातें, अरे उनके बाप नहीं कर पाएंगे यार, मैं छुई मुई हूँ क्या, क्यों भाषण कर देंगे, बड़े आए और गए ऐसे ढोंगी पोंगी, उनके पास अरे कोई शक्ति नहीं है, वो एक क्लास का फ्रॉड है, चीटर है, पोल खोल दे के मालूम होता मैं कहीं जो है CIA एजेंट हूँ क्या, लाखों लोग उनके चाहने वाले, अरे चाहने वाले होंगे, सुनिए सुनिए, आसाराम के भी चाहने वाले इस देश में लाखों लोग थे, आजीवन कारावास हुआ, उसी तरीके से इनके भी पोल पट्टी जिस दिन खुलेगी, सरकारें चेंज होंगी, उसी दिन बाबा की पूरी बाबागिरी समाप्त हो जाएगी, चलिए धन्यवाद।